हूं कि मैं आयकर दाता नहीं हूं, उस परिवार को 35 किलो चावल बिना पैसे का मिलना चाहिए, ये कांग्रेस चाहती है। गरीब को बांटती है रमन सिंह, अलग अलग रंगों में बांटता है, ये सब नहीं होना चाहिए। ग्राम स्वराज हो रहा है, क्या स्वराज हो रहा है? बिजली के बारे में और कह दो कि बालोद में बोलूंगा, भरोसा है? हम किसान के बेटे हैं, छत्तीसगढ़ को जानते हैं, और मैंने एक साल में 6 महीने में 3 महीने सरगुजा में और 3 महीने बस्तर में गुजारे हैं। दोपहर का खाना मेरा गाड़ी में ही चलता है। एक साल तक मैंने कोशिश की, गरिया बन गया था तो बम में उड़ा दे रहे थे, बच गए, आपका आशीर्वाद। सदन के अंदर भाई रविंद्र चौबे, रमन सिंह के पास जवाब नहीं है इनके बोलने का। रमन सिंह ये मुख्यमंत्री हैं, जनता ने चुना है, लेकिन वहां जब बात होती है तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता। इस प्रदेश की 2.5 करोड़ जनता कहती है कि रमन सिंह को कुछ नहीं आता और रविंद्र चौबे को सब कुछ आता है, ऐसा जनता कहती है। आपने हमें जो जिम्मेदारी दी है कांग्रेस पार्टी को, सदन के अंदर रविंद्र चौबे जी निरुत्तर कर देते हैं और सदन के बाहर मैं क्या करता हूं मुझे बताने की जरूरत नहीं। रमन सिंह जैसे 1000 रमन सिंह कांग्रेस पार्टी को दूर तक नमस्ते करने की हिम्मत नहीं कर सकती, यह है कांग्रेस पार्टी। हेलीकॉप्टर में चढ़ते हैं और उतरते हैं तो देखना चेहरा। परसों मेरा एक गांव का व्यक्ति मुझे फोन किया, बहुत सीधा साधा किसान है, उड़ीसा की सीमा में उसका गांव है। उसने मुझे कहा, एक साल पूरा हो गया, बधाई आपको, बहुत अच्छा लगा। मैं बोला धन्यवाद भैया, अभी 1.5 साल और है, नवंबर 2013 तक आपकी सेवा करेंगे, कांग्रेस पार्टी की अगुवाई करेंगे, ऐसा लगता है। बोले भैया ऐसे लगते हैं दारी, वो रमन सिंह के फोटो आते हैं तो बने उज्जर लागे, दारी कोयला हमको पाया है कहीं दिखते ऊपर मुझे में। तो कौन संघ चेती के नाम धरत रहे, कौन है गाँव है? मैं कहे नागपुर के। बोले 1052 करोड़ चौबे जी बोलत रहे सो दिन का 1000, अरे 1052 करोड़ रुपया है। मैं कहवती के लखा दिन है अमर धरती महतारी ने ला बेच दिन, और वो संचेती को तेला तो ही जाने, लेकिन मुमकिन है ओला करकरी साहब के होकर चेला है कठिन राय में दिखाए। हाँ भैया तब तो कर लिया, दिखा था प्रवन सिंह के चेहरा मुद्रा नहीं जही का भैया डाली जही नहीं रह सके, कोई नहीं रह मोट ये गाँव का। तो ग्राम सुधार बेचारा गुरु जी मतलब काका बाहर विधानसभा में बोली सब ताली मारी निकाली, मतलब पढ़ी तब कागज बोलो को रुके नहीं बाहरी से शिक्षा कर्मी। अरे शिक्षा कर्मियों को धोखा देते हो, शर्म नहीं आती? मंच में जाके बोले थे कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की कमल खिलेगी उस दिन शिक्षा कर्मी की सब मांग पूरी होगी, सम्मिलियन कर देंगे। क्या किया? 9 साल से लाठी चला दिया आदिवासियों। ये पंचायत के जो हमारे भाई सचिव, अरे मैं भी सरपंच रहेगा 7-8 साल पूरा लिखा पढ़ी करे जब तक काम करवाए, और मतलब पहला नंबर के सरपंच की इनाम मिल रही जो मैंने की राज्यपाल रही सरला दरेवाल इंदिरा आवास में बनवाए रहे, तो मोर सचिव के मैं बहुत योगदान रही। पंचायत में अगर ईमानदारी से चलाते, अगर ईमानदारी से तुम मतलब चौर दही तो हमारे गांव के फिलेका ये सचिव उमन के का मांग है। अरे मत मांगो रमन सिंह से, जो समझता ही नहीं गुरु जी क्या है और सचिव क्या है, ये तो नंद कुमार पटेल और रविंद्र जी की पार्टी समझेगी, रविंद्र चौबे जी की। ये लोग किसान है, सरपंच है, गांव है, खेती किए हैं, आपकी मांग बिना मांगे पूरी होगी, हम समझते हैं आपका सम्मान होगा। शिक्षा कर्मी हमारे नौजवान अनशन आंदोलन हम करेंगे आपके लिए आंदोलन, और आदिवासी भाइयों को पिटाई
रमन सिंह जी बहुत हो गए, ये स्वराज वराज बंद करो, ईमानदारी से काम करो, 22 तारीख आओ भैया फिर बालोद और मोंडी लो हारा अदम गौड़ी नाम के ठीक कवि मोरनी हो लिखी हूँ कविता में मन में कथो लाने वाले लिख देते एक ठीक कविता लिखे रहे तो कुल हाल दे रही तुम्हारी फाइलों में रमन सिंह जी तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है खूबसूरत है सुंदर है गुलाबी किसमें रमन सिंह जी की फाइलों में मगर ये आंकड़े झूठे हैं सब दावे किताबी है समझ गए तो भैया घाव कर रहा हूं तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है मगर रमन सिंह जी ये सब दावे झूठे हैं और ये सब आंकड़े किताबी है कागज में लिखा है जमीन में कुछ नहीं है ध्यान दिया धन्यवाद।